हेलो, आई एम प्रियंका शर्मा। आज हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले हम मेल्टिंग को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में हीट करते हुए बदलना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। सेकेंड है बॉइलिंग, उसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं हीट के थ्रू। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिसमें कि वो टेम्परेचर जिसमें गिवन सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1063 डिग्री सेल्सियस है जिस पे कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है जिस पर कि वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। सो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। गिवन लिक्विड जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस। बॉइलिंग, इसे हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं, इसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बॉइलिंग इज़ द बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मीन्स पूरे सिस्टम में वाटर जब हीट के थ्रू बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर के मॉलिक्यूल, लोअर सरफेस का मॉलिक्यूल भी वाटर वेपोराइज हो सकता है या अपर सरफेस का मॉलिक्यूल भी वेपोराइज्ड हो सकता है। तो इस पूरे सिस्टम में कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए बॉयलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। इसी के कंपैरिजन में इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। इस सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन में हम हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये वाटर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं सिर्फ वही इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे तोड़कर वेपोराइज हो जाता है, इसीलिए इसे एक सरफेस फिनोमिना कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। रेट ऑफ इवेपोरेशन किन बातों पर डिपेंड करता है उसे हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। सबसे पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों की अपेक्षा, विंटर सीजन में देर से सूखते हैं और समर सीज़न में जल्दी। इसका रीज़न है यही है कि समर सीज़न जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो भी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी ज़्यादा सरफेस एरिया वाले वेसल में वाटर को रखते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है कंपैरिजन टू लोअर सरफेस एरिया। थर्ड है विंड स्पीड। विंड स्पीड इज़ मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल अगेन बी मोर। तेज हवा जब चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कंपैरिजन टू जब हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है। इसी तरह से विंड स्पीड इज़ मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल अगेन बी मोर। फोर्थ है ह्यूमिडिटी। सराउंडिंग में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पहले से ही सराउंडिंग में नमी है, तो वो
ईवेपोरेशन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। इसीलिए ह्यूमिडिटी इज मोर द रेट ऑफ ईवेपोरेशन विल बी लेस। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल। थर्मामीटर जो है वो थ्री टाइप्स के यूनिट्स को फॉलो करता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। एक रूबर स्केल भी होता है जो कि नाइन्थ में हमें नहीं पढ़ना है, हम देखेंगे केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस के रिलेशनशिप को देखें तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में हम ऐड कर देंगे 273, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी केल्विन में। ऐसे ही अगर हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए तो केल्विन की वैल्यू से माइनस कर देंगे 273, तो हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दी है, प्लस कर देंगे इसमें 273, ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 373 जो कि केल्विन में होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 500 केल्विन इसमें से हम 273 सब्स्ट्रैक्ट कर दें, माइनस करेंगे तो हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिलेगी। अब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, ऐड करेंगे 32 तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मतलब 40 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ गया। फ़ारेनहाइट में अगर हम टेम्परेचर को नोट करेंगे तो 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 करेंगे 32 तो वो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर हमें कहते हैं कि 104 डिग्री बुखार है तो नॉर्मली वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से डिग्री सेल्सियस में केवल 3 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ता है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल, 293 केल्विन और 470 केल्विन। इसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम केल्विन की वैल्यू से माइनस कर देंगे 273 तो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में बदलना है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 273 तो हमें केल्विन की वैल्यू मिलेगी। थैंक यू।